जंगल की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने वाले जानवरों में जिस जानवर का नाम सबसे टॉप पर होता है वो है द लायन। बेशक अपने रुतबे के चलते ही लायन को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन यहाँ मामला खूंखार शेर और दूसरे साधारण जानवरों का नहीं है, बल्कि ये तो बात हो रही है शेरों द्वारा शेरों को दी जाने वाली चुनौती की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगल के शहंशाह शेर के आपसी झगड़े के बारे में। तो आइए इस वीडियो के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जब दो शेर आपस में टकराते हैं। राइवल। आज मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, इसे देखने के बाद आपको भी शेर के एटीट्यूड का अंदाजा हो जाएगा। हालांकि ये शेर जख्मी है, लेकिन दो यंग लायन को चैलेंज करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। यूं तो जंगल में जिंदा रहने के लिए हर जानवर को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो शिकार हिरण हो या फिर खुद शिकारी शेर। ज्यादातर बूढ़े और कमजोर शेर को अपनी बची जिंदगी बहुत संघर्षों में जीनी पड़ती है, और ये शेर भी यही कर रहा है। दोनों यंग लायन इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन शेर की ये कमाल की काबिलियत है कि वो आखिर तक लड़ता है, भले ही फिर वो उसकी आखिरी जंग ही क्यों ना हो। ये तो हमें नहीं पता कि ये जख्मी शेर कब तक इस लड़ाई में टिका रहेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि शेर भले जख्मी हो फिर भी घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। आकार के मामले में बाघ के बाद शेर को बिग कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है। आकार में बड़े होने की वजह से इन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है। एक एडल्ट लायन एक दिन में करीब 20 किलो तक मांस खा सकते हैं। वैसे तो शेर हिरण और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और इन्हें ही अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कई बार झुंड में रहने पर ये ज़ेब्रा, जिराफ और बफलो जैसे बड़े आकार के जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि ये हाथी जैसे विशालकाय जानवर पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। इनके खाने में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यही वजह है कि खाने के बाद उसे पचाने के लिए इन्हें काफी आराम भी करना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये दिन के लगभग 15 से 18 घंटे सोने या आराम करने में ही बिता देते हैं। पर ठीक है, चलता है, इन्हें कौन सा ऑफिस जाना होता है। शेर एक टेरिटोरियल एनिमल है जो अपने इलाके को लेकर बेहद सेंसिटिव होते हैं, यानी अपने इलाके में ये किसी दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में ये काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। अपने इलाके को लेकर इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि यूरिन या स्क्रैच करके ये अपना इलाका मार्क करते हैं। जब एक मेल लायन दूसरे के इलाके में एंटर करता है तो उसे सामने वाले के चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और लड़ाई में जीत कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर ये इलाका उसका होता है। टेरिटोरियल फाइट। दो बाहुबलियों की इस लड़ाई को देखकर किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये लड़ाई कितनी जबरदस्त होने वाली है। जरा सोचिए, लगभग बराबर साइज और पावर वाले जानवरों का अटैक एक दूसरे के लिए ही इतना जानलेवा है, तो बाकी जानवरों का क्या हाल होता होगा। आखिर में एक शेर के अटैक से दूसरा शेर पूरी तरह जख्मी हो चुका है। शेर एक सोशल एनिमल है जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, और इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। जनरली एक प्राइड में एक एडल्ट शेर, एक से अधिक शेरनिया और कब्स रहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो लायन के प्राइड में करीब 15 से 30 मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। इस तरह शिकार करने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यूं तो शेर अकेला ही शिकार कर सकता है, मगर अक्सर पूरा परिवार एक साथ मिलकर शिकार पर निकलता है और लगभग सप्ताह भर का भोजन इकट्ठा कर लेता है। हालांकि ज्यादातर शिकार शेरनिया ही करती है, और प्राइड की सेफ्टी का ख्याल रखना शेर का काम होता है। शेर मैदान में तभी आता है जब उसे भूख लगी हो या झुंड को किसी जानवर से खतरा हो। प्राइड अटैक। यहाँ शेरों का झुंड मौजूद है जिनमें से ज्यादातर मेल लायंस ही दिख रहे हैं, यानी यहाँ मामला कांटे की टक्कर का है, क्योंकि अक्सर समान उम्र के लायंस की पावर और स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, जिसकी वजह से इनकी फाइट भी जोरदार ही होती है। दो शेरों की फाइट का ये नजारा किसी को भी रोमांचित कर सकता है, क्योंकि इस फाइट में शेर का रियल एटीट्यूड आसानी से देखा जा सकता है। जहां एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है, तो वही वार पलटवार का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है। वाकई में शेर के हमले का जवाब नहीं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं। वैसे तो पहले अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई इलाकों में भारी संख्या में लायंस पाए जाते थे, लेकिन आज सिर्फ अफ्रीका के जंगलों को छोड़कर मुश्किल से ही शेरों को कहीं देखा जाता है। हालांकि इंडिया के गिर नेशनल पार्क में कुछ एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें काफी प्रयासों के बाद प्रोटेक्ट किया गया है।
यहाँ शेरों के बारे में एक बात ध्यान देने वाली है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा ही अनोखा होता है जो इनको शिकार करने में काफी मदद करता है। अगर इनके पैरों की बात की जाए तो ये इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि एड़ी जमीन को टच ना करे, इससे इन्हें तेज दौड़ने में मदद मिलती है। शेर की दहाड़ और इनका अमेजिंग अपीयरेंस ही इन्हें सबसे खास बनाता है। अगर आप किसी जंगल में हो तो 5 किलोमीटर की दूरी से आपको शेर की दहाड़ सुनाई दे सकती है। क्या आपको अंदाजा है कि शेर कितनी तेज स्पीड से दौड़ लगा सकता है? शेर को जंगल का सबसे बड़ा शिकारी जानवर बनाने में शेर के ताकतवर शरीर और मजबूत चमड़े के साथ ही इसकी दौड़ने की स्पीड भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अपने शिकार का पीछा करते हुए शेर करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। हालांकि ये स्पीड कुछ देर के लिए ही होती है क्योंकि भारी भरकम शरीर की वजह से ये जल्दी थक भी जाते हैं। इसके अलावा शेर छलांग लगाने के मामले में भी अद्भुत है। ये काफी ऊंची और लंबी दूरी तक छलांग लगा सकता है। घने जंगलों के अलावा ग्रासलैंड्स और मैदानी इलाकों में भी शेरों के झुंड को देखा जा सकता है। शेर खासकर अफ्रीका के मिक्स एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। शेर की सबसे बड़ी शान उसकी मेन होती है। शेर के चेहरे के आसपास गर्दन पर मौजूद बालों के गुच्छों को मेन कहा जाता है। यानी मेन जितनी डार्क होती है लायन को उतना ही मैच्योर और ओल्डर माना जाता है। इतना ही नहीं, मेन की वजह से शेर का अपीयरेंस भी बड़ा ही शानदार लगता है जो इन्हें बाकी कैट फैमिली मेंबर से अलग और इम्प्रेसिव बनाता है। टू सुल्तान विथ डार्क मेन। इस रेतीले मैदान में ये दो सुल्तान ऐसे भिड़ गए हैं मानो पहलवानी का कंपटीशन चल रहा हो। एक दूसरे पर हो रहे इनके हमलों को देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। लग रहा है जैसे आज के इस अखाड़े के मैदान में कोई भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी मुकाबला बेहद तगड़ा है। इस जोरदार मुकाबले के बीच कोई दूसरा जानवर आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पास मौजूद शेरनी भी नहीं। वो दूर से ही बब्बर शेर के इस झगड़े को देख रही है। यूं तो जंगल में लायन 14 से 16 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कैप्टिविटी में इनकी उम्र और भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि ताकत के मामले में इनका मुकाबला जंगल में काफी कम जानवर ही कर पाते हैं, लेकिन झुंड से निकाल दिए गए शेर को हाइना और वाइल्ड डॉग जैसे खतरनाक जानवरों का डर बना रहता है, जिनके हमले से कम उम्र में ही इनकी मौत हो जाती है। बहुत कम शेर ही ऐसे होते हैं जो झुंड के बिना अपना परिवार बढ़ा पाते हैं और एक नया साम्राज्य खड़ा कर पाते हैं। फेटल अटैक्स ऑफ लायन। दो शेरों की इस लड़ाई में ये बात तो साबित हो जाती है कि लायन के लिए किसी भी जानवर से पंगा लेना मुश्किल नहीं है, चाहे ये लड़ाई इलाके की हो या जीने मरने की। बेहद आक्रामक अंदाज में एक दूसरे के सामने मौजूद ये लायंस आर पार के मोड में दिख रहे हैं। इनमें से एक लायन ने एक ही सांस में न जाने कितने हमले कर दिए हैं, जिसका जवाब देना ओपोनेंट के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। मानना पड़ेगा शेरों की लड़ाई का कोई जवाब नहीं। शेर को सबसे बड़ा शिकारी जानवर का दर्जा मिला है, इसके पीछे कई फैक्ट्स हैं। दरअसल शिकार करने के लिए शेर खास स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसमें झुंड के अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग रोल होता है। घात लगाकर शिकार करना और शिकार का पीछा कर उसे दबोचना, दोनों में ही इन्हें महारत हासिल है। वही कई बार शिकार करने के लिए ये सेमी सर्किल भी बनाते हैं जिसमें शिकार को ट्रैप किया जाता है। साथ ही लायन रात के समय शिकार करने में भी केपेबल होते हैं क्योंकि इनका नाइट विजन कमाल का होता है, इसीलिए रात के समय भी ये बेहतर तरीके से शिकार कर पाते हैं। इन सारी खासियतों की वजह से ही इन्हें किंग ऑफ जंगल कहा जाता है। लेकिन इस किंग को अपने साम्राज्य को बचाने या अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए कभी कभी दूसरे शेरों से भी भिड़ना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।